Hey guys, kidaan ji, this is YMNV. Welcome back to my channel. अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ avocado toast with eggs and iced americano. And ये toast मैंने कल पहली बारी बनाया था, so उसका सारा procedure मैं अभी clips में डाल रहा हूँ. So guys, आज बन रहा है ब्रेकफास्ट में avocado toast. Avocado मैं लेके आया था, मैंने avocado को mash कर लिया है, मतलब हाफ avocado किया है, पूरा तो नहीं खाना मेरे को अभी. तो हाफ avocado को मैश करके आई मेक द एग्स एंड फिर बनेगा प्रॉपर हमारा avocado टोस्ट. आई एम वेरी एक्साइटेड. कल ये मैंने बनाया था एंड इतना टेस्टी बना था, तो मैंने सोचा था कि आज भी यही बनाऊंगा. एंड काफी टाइम मैं अपना ब्रेकफास्ट यही करने वाला हूँ. बहुत परफेक्ट लग रहा था एंड बहुत टेस्टी बना था. आप भी ट्राई करके देखना. सो यस, अभी फटाफट मैं ब्रेकफास्ट करने लगा. मेरे पास टाइम नहीं है एंड 10 मिनट्स मेरे को जिम निकलना है बिकॉज सेशन है एंड मैं थोड़ा लेट हो गया उठने में. थोड़ा लेट हो गया मैं कुछ 10:30 के अराउंड उठा हूँ एंड 11:30 सेशन है, तो बहुत कम टाइम है खाना खाना, वॉशरूम जाना, ये सब करने में. सो यस, जल्दी खाता हूँ एंड फिर निकलता हूँ जिम के लिए. लेट्स गो. तो गाइस, जिम हो चुका है, डन, वर्कआउट इज डन. एंड जिम करने में इतना बिजी हो गया था जी कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया. अभी घर आया हूँ वापस एंड प्रोटीन पी रहा हूँ. एंड आज है एच का बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे एच. उन्नति वहीं पे गई हुई है, थोड़ी देर में वो आएगी. जब वहाँ से फ्री होके आएगी तब हमें स्टूडियो जाना है. स्टूडियो के बाद मोस्ट प्रॉब्ली मॉल जाना है एंड मॉल भी शायद पैलेडियम जाना है जो टाउन में है. आई गेस जो बॉम्बे में नहीं होगा उनको नहीं समझता होगा मैं टाउन जो बोलता हूँ. सो बॉम्बे ऐसा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक साउथ बॉम्बे एक इधर नॉर्थ बॉम्बे. जो सी लिंक है जो आपने देखा होगा हम स्टोरीज में डालते भी है, सो बहुत बड़ा ब्रिज है, पानी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, बहुत जो फेमस है, इसको सी लिंक बोलते हैं. सो उस साइड है जो हम इस साइड रहते हैं नॉर्थ बॉम्बे में, जो उसके उस साइड है वो साउथ बॉम्बे है. सो उसको भी टाउन भी बोलते हैं. तो वहाँ पे जाना पड़ता है, पैलेडियम वहाँ पे है, जस्ट ब्रिज क्रॉस करने के बाद पैलेडियम आता है. तो वो काफ़ी दूर पड़ जाता है, मतलब हमें जहाँ पे हम रहते हैं उसके बाद 3-4 स्टेशन क्रॉस करके फिर ब्रिज जाता है, उसके बाद आता है जाके टाउन. सो लंबा पड़ जाता है सीन. सो टाउन जाना इज लाइक यू आर ट्रैवलिंग 1 आवर ईजीली. सो उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है ड्राइव करने के लिए, ट्रैफिक भी बहुत मिलती है. सो यस, टाउन जाना है एंड अभी प्रोटीन पीते हैं, नहाता हूँ, अपना खाना खाता हूँ, फिर वेट करते हैं उन्नति कब आएगी, फिर साथ में निकलेंगे. बोनू अपना ही चिल कर रहा है, अभी पानी पीने लग गया एकदम से उठ के. गुड बॉय. आज तो क्रेजी गोल्डन लाइट आ रही है रूम में. अभी मैंने वीडियो भी शूट किया है, रील आउटफिट जो मैंने आज डाला है उसके रिगार्डिंग एक रील शूट कर ली है, बिकॉज मेरे पास बहुत टाइम था पास करने के लिए. उन्नति का अभी तक अपडेट नहीं आया है, वो वहीं पे एच के साथ ही अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी फैमिली साथ में. मैं डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, बट थोड़ी देर में उन्नति आएगी, अभी वेट ही कर रहा हूँ. जब आएगी तब हम शायद निकलेंगे, अभी तो काफ़ी टाइम भी हो गया है, शाम होने वाली है. मैं ठीक है, देखते हैं. मैं तो रेडी बैठा हूँ कब से, ये मैंने आउटफिट डाली हुई है साथ में, ग्रीन पेंस बेकन्स, इसी की मैंने रील बनाई है आउटफिट की. बैग भी कैरी कर रहा हूँ आज फॉर द फर्स्ट टाइम. मैंने आपको बोला था ना तो हम कॉफ़ी पीने भी जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली. कॉफ़ी तो मैं पीऊँगा ही, ऐसे पी चुका हूँ सुबह, बट एक और पीऊँगा. एंड मैंने बोला था जब कॉफ़ी डेट पर हम जाएंगे तो मैं ये वाला बैग उठाऊँगा. एंड ये वाली आउटफिट के साथ बहुत अच्छा जा रहा है, इसलिए मैंने रील भी बना ली. दिस टोट बैग आई एम कैरिंग टूडे. सो ठीक है, वेट करते हैं और अभी उन्नति का आने का. फिनिक बेल बजी, बेल बजी, बेल बजी. Who's the... Oh, twinning हो गई, twinning हो गई, twinning हो गई. मैं इतने टाइम से बात पहने हैं, कब से वेट कर रहा हूँ, कब से रेडी होके बैठा. विश तो करो, विश तो. मैं ना मिलके आऊं, नहीं तभी तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया. एक कॉल किया मैंने, एक भी कॉल किया, एक टेक्स्ट डाला बस, एक टेक्स्ट डाला मैंने कि कहां पे हो बस.
यही ब्लॉग में बोलता है कितना टाइम हुआ है उन्हें, कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ, 6 बज गए हैं। अरे मैं रात को नहा के सोता हूँ। हाँ मैं रात को नहा के सोता हूँ ना, तो रात मतलब 4-5 बजे नहा के सोया तो सुबह उठ के मतलब नहीं रात को दोबारा नहा के पूरा, इसने पूरी दुनिया चेंज कर दी है जो रूल चल रहा था लाइफ का, उठ के नहाओ नहा के सो। मेरा रूटीन उल्टा चल रहा है अभी, अभी मेरे को ट्रैक पे आना पड़ेगा 2 दिन और। दोबारा आए हैं तो समर ब्रेक में 2-3 हफ्ते का गैप पड़ जाता है, सबको रेस्ट मिलता है, उसके बाद सब आते हैं। तो अब लगातार हर हफ्ते रेस होगी, रेस शुरू होने वाली है 5-10 मिनट्स में, एंड उसके बाद मैच डे, इसलिए बिकॉज द बिगेस्ट मैच एवर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच होने वाला है, 7:30 पे शुरू होने वाला है। इट्स अ वेरी बिग डे, एशिया कप का पहला मैच है इंडिया का भी, तो उसके लिए तो एक्साइटमेंट कुछ और ही लेवल है। इसके लिए एक्साइटमेंट है बट उसके लिए तो इट्स गोना बी सो मच फन। सो देखते हैं, पहले ये देखते हैं 6:30 एंड 7:30 तक ये खत्म हो जाएगा, तो फिर रास्ते में अगर होंगे तो रास्ते में इंडिया का मैच भी लगा लेंगे। सो यही प्लान है अभी तो, वेटिंग फॉर इशू, फुल ऑन स्पोर्ट्स डे, लेट्स गो। क्रेजी स्टार्ट हुई है रेस की, एक तो पहले ही पूरा स्टार्ट वाला सीन ही सब अलग था। ब्रोनी ब्रोनी कह रहे हैं ये क्या रेस है, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट सा लाइनअप था स्टार्टिंग में ही, एंड पहले ही 2 एक्सीडेंट हो गए स्टार्ट होते ही। हैमिल्टन भी आउट हो गया, बोटास आउट हो गया, और एक और कौन आउट हुआ, लतीफी आउट हो गया। हैमिल्टन इतनी जल्दी यार फर्स्ट लैप में ही बाहर हो गया, एक्सीडेंट हो गया उसका अलोंसो के साथ एंड ही इज आउट। समर ब्रेक की पहली रेस थी समर ब्रेक के बाद की, एंड हैमिल्टन ही पोडियम पे नहीं आएगा। चार्ल्स की भी गाड़ी कुछ खराब ही लग रही है, बट कार्लोस सबसे फर्स्ट पे चल रहा है। ठीक है, देखते हैं, अपडेट देते हैं आपको, मैच भी आज स्पोर्ट्स डे रहेगा। सो गाइस अब हम फाइनली निकल रहे हैं, मैं तो सुबह के टाइम पे तैयार हुआ था, अभी रात हो चुकी है, ये अब भी तैयार हुआ है जाके। ऑल्सो इंडिया की पहले बॉलिंग है तो हम बैटिंग तक तो वापस घर पहुंच जाएंगे, हमें बैंड्राजा का आना है, जल्दी चलते हैं। इसको भी कुछ परफ्यूम कहीं तो कुछ तो मिलेगा, कुछ तो चलो देखते हैं, परफ्यूम भी हो जाएगा, बैंड्रा भी हो जाएगा, एंड सबको भी हो जाएगा। चलो चले सब, चलो सबको, अरे एक्साइटेड। सो गाइस हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग तो हो गई है, अभी हम जा रहे हैं सबको, पर अभी टाइम हो चुका है 8:40 एंड 9 बजे बंद हो जाता है, तो हमारे पास 10 मिनट्स की वॉक है, उसके बाद 10 मिनट्स में हम क्या ही करेंगे। बट आई थिंक ऑर्डर होगा, पर नहीं पता नहीं, ऑर्डर वाला सीन भी नहीं, रेस्टोरेंट कर लेंगे, पर हम टेक जैसे होता है बैठ के खाने का है तो फिर पता नहीं, मतलब देखते हैं, हम टेक अवे कर लेंगे और क्या, हम पहुंच जाएं वो टेस्ट तो करवा ही देंगे तेरे को आज कुछ ना कुछ। सबको में सब कुछ खत्म, ठीक है चलो अभी वॉक करके सबको पहुँचते हैं। आज हमें ना काफी लोग मिले हमें फोटो के लिए, अब बोल रहे हैं कि आपने डिसाइड किया था कि आपने पिंक डाला ऐसा, क्योंकि हम अलग अलग तो ये पिंक डाल के घूम रहे थे, आपने डिसाइड किया था आज का आउटफिट। और ये लोगों को बहुत झूठ लगता है जब ये आप बोलते हैं कि एक्सीडेंटली ट्विट हुआ है। हाँ ये आज तो मेरे को नहीं पता था, बिकॉज मैं तो मैंने सोचा था सबको जाऊंगा तो मैं यही डाल लूंगा, इससे हो सकता है कि हमें देख के डाल लिया हो, मैं तो मेरे को पहनने का मन था ये, इसलिए मैंने डाल लिया। इसका पहनने का मन था, उन्नति तो एक्सीडेंटली हो गया था, बट ठीक है चलो लेट्स गो, लेट्स वॉक लेट बट गॉट इट। सो गाइस सीन अब ऐसा है कि खाना तो उनका वैसे खत्म हो चुका था, किचन उन्होंने क्लोज कर दी थी, बट क्रोसॉन्स ऑफ कोर्स पड़े थे, तो हमने तीनों ने एक एक क्रोसॉन पकड़ लिया, कॉफी पकड़ ली हाथ में, एंड वहाँ पे इतना रश था, जगह ही नहीं थी बैठने की, सब लोग वहाँ पे बैठ चुके हैं, बिकॉज कैफे होता तो लोग बैठ ही जाते हैं जाके, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम कॉफी पकड़ेंगे हाथ में, क्रोसॉन पकड़ेंगे हाथ में, चलो क्रोसॉन तो खोले, ये तो मैं टेस्ट करनी, कॉफी बहुत टेस्टी है सर, कॉफी कर ली टेस्ट, चलो कॉफी पिएंगे, क्रोसॉन पकड़ेंगे एंड बैंड्रा की स्ट्रीट्स पे वॉक करेंगे, वो बेस्ट लाइफ। साथ में जल्दी गाड़ी में ऐसा करते हैं, गाड़ी में जाकर मैच भी देखते हैं, सब कुछ हो जाएगा, देखते हैं खा सकते हैं,
हाँ, मैं मोमोज उठा लूँगा। मोमोज भी उठा लो, क्या बात है, यहाँ पे नहीं पूरा फन सीन हो गया। सारे वैसे बाहर मैच ही देख रहे हैं, इंडिया का मैच ही लगा हुआ हर जगह। हम भी गाड़ी में जाके सब कुछ ले लें, शॉर्मा मोमोज ऐसे मोमोज लेते हैं। तो पहले यहाँ से मोमोज उठाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, आराम से खाएंगे क्रोसॉन मोमोज और कॉफी, और साथ में मैच देखेंगे, फिर परफ्यूम ले लें। बहुत काम हो गया एकदम से। बीआरबी चीयर्स। पिछली बारी देखे गए थे उन्नति करी, इस बारी तो मैं उठा के ही जाऊंगी जो मर्जी होती। इस बारी खाने के लिए पार्टनर मिल गया था साथ में, तो पैक हो चुके, वरना पिछली बारी मैं था तो मैं तो खाता नहीं हूँ, तो मैं तो निकल गया था उसको लेके सीधा। सबको सब कुछ टेस्ट हो जाएगा। वाह, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर क्रोसॉन। मैं भी, लेट्स गो। वाओ, भैया ने एक सेकंड में पैक कर दिया यार। ओरिगैनो डाल दे मोमोज पे, वहाँ पे दिल्ली में। भैया दिल्ली में ओरिगैनो डाल रहे हैं मोमोज में। ये सब करना चाहिए बताओ मोमोज के साथ। ओरिगैनो कौन डालता है यार मोमोज पे? मोमोज मेरे हिसाब से मोमोज को कुछ नहीं करना चाहिए, जैसे है वैसे रखने चाहिए। वहाँ पे चलते हैं, सब कुछ चलता है वहाँ पे, तो बढ़िया लगता है। देखो ये चटनी डली है साइड पे, मजेदार। फूड व्लॉगिंग करने लग गया मैं एकदम। प्लेट भी चाहिए आपको? हाँ, इसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं कि एक जगह है अजमल, जिसके मैं और उन्नति और रिशु मोस्टली काफ़ी यूज़ करते हैं अजमल का, तो और वहाँ हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे स्टोर है अजमल का, तो अगर ट्राई अगर वो खुला हुआ तो वहाँ पे जाएंगे। 10 o'clock बंद होना है अभी, जैसे 9 o'clock हो रहे हैं, आधा घंटे में खा लेंगे। पेमेंट होगी? ये देख भैया भाग जाते हैं, ध्यान रखा करो। सीधा मोमोज लेके निकल पड़ी। तभी मैं कहूँ ये घोड़े भी तूने मंगाए थे ना, सीधा बैठ के निकल जाऊंगी। गाइस गाड़ी में हो रहा पूरा वाइब गलत वाला, मोमोज की चटनियां खुल रही है वहां पे, टेबल बना दिया है, कॉफी मोमोज क्रोसॉन मैच लगा हुआ साइड पे। इंडिया ने तो भाई, हम ना वॉक करके आ रहे थे ना, तो हम बोल रहे थे कि दो विकेट, जब हम वॉक स्टार्ट किया वहां से 10 मिनट की वॉक 86 for 2 था जब हमने वॉक स्टार्ट की है, एंड वापस आए गाड़ी में खोला 4 आउट हुए उसके बाद। इंडिया किलिंग इट, आज तो जीत रहे पक्का इसी कुर्सी में। क्रोसॉन क्रोसॉन तो बहुत टेस्टी है, हमने बचा के रख दिया, एंड में खाएंगे, फिर के एंड में खाएंगे, उसका टेस्ट तो चाहिए। अब मोमोज भी खा रहे, मोमोज भी उनको पता नहीं बहुत टेस्टी लग रहे थे। हां, चिकन मोमोज टॉपिंग करके देते थे। चलो तो मोमोज खाओ, एंजॉय करते हैं मैच। इंडिया तो जीत ही रही है भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। वो देख 1 लाख ट्राई कर लिया आते ही नहीं टिकना होता, उनकी शॉप बंद होने वाली थी, तुमने जबरदस्ती रोक के रखा है 5 मिनट के लिए, शर्म आती है कि नहीं? लास्ट हो गया उसका, चल रहा है अभी, वैसे भी ब्रेक चल रही है इंडिया की बैटिंग में, तो हमने कहा शॉपिंग कर ये भी ट्राई चल रही है। चलो शॉपिंग का है, लेट्स गो। मेरी बताना, अच्छा मैंने भी तो किया, 5 छिड़ रहे मैंने भी कर लिया। मैं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये मेरे को अच्छी लगी काफी। बॉटल भी बहुत क्यूट है। यस, आप कितने उठा रहे हो? 5? कट डाउन करूंगा। अच्छा सिलेक्ट जो किया मैं, और शॉर्ट लिस्ट करेगा, एक्साइटेड है, पूरा अंदर खुश होता है ये। शर्म आ रही, अभी भी देख रहा है कि कुछ और मिल जाए मेरे को। चलो आप घर चलो। चलो यार, टेंशन थोड़ी है बट हो जाएगा बॉयज, लेट्स गो। वो देख इधर भी बैठी है। उन्नति कह रही है मैं नीचे बैठ रही हूँ इसलिए पढ़ रहे हैं। लकी जाम, लेट्स गो पांड्या। शॉट पांड्या, the hero man, let's go, India, go, India.
सो गाइस मैच हो गया था खत्म. व्हाट अ मैच, व्हाट अ विन बाय टीम इंडिया, स्पेशली हार्दिक पांड्या. व्हाट एन इनिंग्स एंड इतना काम इतने प्रेशर में. वाओ लेजेंड, व्हाट अ नॉक. बहुत मजा आता है इंडिया पाकिस्तान हमेशा देखने में, बहुत एक्साइटिंग हो जाता है सबके लिए, इंडिया वाले लोगों के लिए भी एंड पाकिस्तान वाले लोगों के लिए भी. बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं एंड दोनों बहुत अच्छा खेल रही थी टीम. बहुत फंसा हुआ मैच था, ऐसा नहीं कि वन साइडेड हो गया. कभी ऐसा लग रहा था पाकिस्तान जीत जाएगी, कभी लगता इंडिया, ऐसा ट्विस्ट हो ही जा रहा था. बट व्हाट अ मैच, मजा आ गया. एंड अभी हम वही सेलिब्रेट कर रहे थे काफी देर से, उसके बाद हम टेबल टेनिस खेल रहे थे. कम से कम 2 घंटा हमने टेबल टेनिस खेला सब डे, टूर्नामेंट्स लगाए हैं तो इसी कारण थोड़ा पसीना भी आया हुआ है. बट यस, अभी यहाँ पे होता दिन खत्म. काफी कुछ कर लिया आज, ऐसा लग रहा था कुछ प्लान नहीं हो पा रहा, बट हो गया. काफी घूमाया मैं, ऋषभ और उन्नति. एंड अभी यहाँ पे करते हैं व्लॉग खत्म. एक बहुत ही क्यूट सा लेटर आया हुआ है फॉर उन्नव बाय अनुष्का एंड अक्षत, अनुषत लिखा हुआ है साथ में. तो मैं ये भी पढ़ने वाला हूँ आराम से बैठ के एंड एडिट करने वाला हूँ व्लॉग. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. I hope you like the video. If you do, hit the like button and do subscribe to my channel. I'll see you guys tomorrow. Bonnie भी बेचारा देख अंदर बैठा था, because हम टीटी खेल रहे थे, तो Bonnie के साथ भी बैठता हूँ काफी देर. So yes, this was it. I'll see you guys tomorrow. Bye. Good night.